जय हिंद। सबसे पहली बात तो ये कि अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है, प्रोडक्टिव लगता है, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और अगर हो सके तो शेयर कर दो जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अच्छा, पॉलिटी के इससे पिछले वाले सेशन में हमने बात की थी प्रेसिडेंट की वीटो पावर्स के बारे में, और अगर बहुत प्रिसाइजली जल्दी से रिवाइज करें तो हमने बात की थी 3 आर्टिकल्स के बारे में। कौन कौन से? आर्टिकल 111, आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201। पार्लियामेंट अगर कोई बिल पास करता है और उसको प्रेसिडेंट के सामने पेश किया जाता है तो प्रेसिडेंट के पास में 3 अल्टरनेटिव्स हैं, 3 चॉइसेस हैं, और उन 3 चॉइसेस की बात की गई है आर्टिकल 111 में। क्या चॉइसेस हैं प्रेसिडेंट के पास में? प्रेसिडेंट या तो उस बिल को अपनी एसेंट दे सकते हैं, अपनी सहमति दे सकते हैं, अपने सिग्नेचर दे सकते हैं, और जैसे ही प्रेसिडेंट की एसेंट मिलेगी बिल को, बिल एक्ट बन जाएगा, फोर्स में आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन प्रेसिडेंट के पास में ये है कि प्रेसिडेंट सीधे सीधे मना कर दें, प्रेसिडेंट में विदहोल्ड इज एसेंट, और जैसे ही प्रेसिडेंट मना करेंगे सिग्नेचर देने के लिए तो बिल वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएगा, और इसको बोलते हैं अपन एब्सोल्यूट वीटो। इसके बारे में अपन ने इससे पिछले वाले सेशन में बात की थी। और तीसरा ऑप्शन प्रेसिडेंट के पास में है कि प्रेसिडेंट बिल को पार्लियामेंट के रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज दें, और अगर बिल को वापस भेज दिया गया है, पार्लियामेंट ने उसको रिकंसिडर किया और रिकंसिडर करने के दौरान दोबारा उसको पास किया विद और विदाउट अमेंडमेंट्स, और पास करने के बाद अगर पार्लियामेंट ने दोबारा से बिल को प्रेसिडेंट के पास में भेज दिया है तो प्रेसिडेंट के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि दोबारा में प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट, और ये जो पार्लियामेंट ने किया दोबारा से उसको पास करके दोबारा से प्रेसिडेंट के पास में भेजा, इसे बोलते हैं अपन सस्पेंसिव वीटो। इसके बारे में भी अपन ने इससे पिछले वाले सेशन में बात की थी। अच्छा, एब्सोल्यूट वीटो और सस्पेंसिव वीटो, इनके अलावा एक तीसरी वीटो और है, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो वो वाला सिनेरियो है जब प्रेसिडेंट बिल के ऊपर कोई एक्शन ही ना ले, बिल को रख के बैठ जाए, उसे बोल देते हैं पॉकेट वीटो। फिर अपन ने बात की थी आर्टिकल 200 के बारे में। स्टेट लेजिस्लेचर्स अगर कोई बिल पास करते हैं और उसको गवर्नर के पास में भेजते हैं तो गवर्नर के पास में 4 अल्टरनेटिव्स हैं, 4 चॉइसेस हैं। क्या कर सकते हैं गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर के बिल के लिए? या तो गवर्नर अपनी सहमति दे सकते हैं, अपनी एसेंट दे सकते हैं, और अगर एसेंट दे दी गवर्नर ने तो बिल क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा, लागू हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन गवर्नर के पास में कि गवर्नर बोले कि मैं अपनी एसेंट नहीं दे रहा हूँ, विदहोल्ड कर रहा हूँ, और अगर एसेंट नहीं दी तो बिल वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है गवर्नर के पास में कि गवर्नर बिल को स्टेट लेजिस्लेचर के रिकंसिडरेशन के लिए भेज दें कि दोबारा कंसिडर करो इसको। एक चौथा ऑप्शन और है गवर्नर के पास में, और चौथा ऑप्शन गवर्नर के पास में ये है कि अगर गवर्नर को लगे कि बिल में कोई ऐसी बात की जा रही है जो कि उसके लेवल से ऊपर की है, जिसके लिए ज़रूरी है प्रेसिडेंट से सलाह करना, तो गवर्नर बिल को रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। और अगर कोई बिल स्टेट लेजिस्लेचर का प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व किया गया है, प्रेसिडेंट के पास में भेजा गया है, तो प्रेसिडेंट के पास में 3 अल्टरनेटिव्स हैं, 3 चॉइसेस हैं, और वो बताई हुई हैं आर्टिकल 201 में। और वो 3 चॉइसेस क्या हैं? या तो प्रेसिडेंट सीधे सीधे अपनी एसेंट दे देंगे तो बिल एक्ट बन जाएगा, सिंपल। दूसरा ये हो सकता है कि प्रेसिडेंट बोले कि मैं अपनी सहमति नहीं दे रहा हूँ, विदहोल्ड कर लें, और अगर विदहोल्ड कर लिया तो बिल वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन प्रेसिडेंट के पास में है कि प्रेसिडेंट बिल को वापस भेज दें स्टेट लेजिस्लेचर के रिकंसिडरेशन के लिए, और अगर प्रेसिडेंट ने ऐसा किया, स्टेट लेजिस्लेचर ने उसको रिकंसिडर किया और रिकंसिडर करने के बाद दोबारा पास किया, और पास करने के बाद दोबारा से प्रेसिडेंट के पास में अगर भेज दिया तो प्रेसिडेंट के ऊपर ये ऑब्लिगेशन नहीं है कि प्रेसिडेंट उसको एसेंट दे ही दें, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे पार्लियामेंट के केस में अगर पार्लियामेंट दोबारा बिल को भेजता है तो प्रेसिडेंट मस्ट गिव इज एसेंट, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर के बिल के केस में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एसेंट दे ही दें, दोबारा भेजा गया हो तो भी। इसके अलावा अपन ने एक चीज़ और देखी थी, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के थ्रू ये कह दिया गया है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रेसिडेंट के सामने पेश किया जाएगा तो प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट, प्रेसिडेंट को अपनी सहमति देनी ही देनी पड़ेगी, और ये अपन ने इससे पिछले वाले सेशन में बात की थी। आज अपने को बात करनी है प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स के बारे में। अपन आमतौर पर सुनते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, ये ऑर्डिनेंस मेकिंग की पावर के क्या प्रोविजंस हैं उन पे आज अपन बात करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है आर्टिकल 123, और आर्टिकल 123 में बात की गई है प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में, और ऑर्डिनेंस इश्यू करने की पावर प्रेसिडेंट की सबसे इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर है। एक तरीके से कानून बनाने की पावर दे दी गई है प्रेसिडेंट को, और ऐसा किया क्यों गया है
हमारे देश में कभी कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन क्रिएट हो जाए, कभी कोई ऐसा सर्कमस्टेंस क्रिएट हो जाए जिससे डील करने के लिए इमीडिएटली कोई कानून बनाने की ज़रूरत है, तो ऐसी सिचुएशन से, ऐसे अर्जेंट मैटर से डील करने के लिए प्रेसिडेंट को दी गई है ऑर्डिनेंस इश्यू करने की पावर टू डील विद अनफोर्सीन और अर्जेंट मैटर्स। वैसे आम तौर पे हमारे देश में कानून कैसे बनता है, कोई बिल लाया जाता है और उस बिल को लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास करवाया जाता है और फिर उसको प्रेसिडेंट के सामने पेश किया जाता है और प्रेसिडेंट जब उसको अपनी असेंट दे देते हैं तो वो बन जाता है एक्ट। कानून बनाने की प्रक्रिया आमतौर पर ये है, लेकिन कभी ऐसा हो कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सेशन में नहीं है, दोनों सेशन में नहीं है या कोई एक सेशन में नहीं है, क्योंकि अगर कानून बनाना है नॉर्मल टाइम्स पे तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास करवाना पड़ेगा बिल, अगर दोनों में से कोई एक भी सेशन में नहीं है तो कानून नहीं बन सकता है। ऐसे में जब लोकसभा या राज्यसभा में से कोई एक या दोनों सेशन में ना हो और ऐसा सिचुएशन आ जाए, कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंस आ जाए जिसमें कोई कानून बनाने की ज़रूरत है, तो कैसे बनाया जा सकता है, वो बनाया जा सकता है आर्टिकल 123 के अंडर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर दें। और ये जो ऑर्डिनेंस इशू किया जाएगा इसमें सेम फोर्स होगा, इसमें सेम पावर होगा, इसमें सेम इफेक्ट होगा जैसे किसी पार्लियामेंट के एक्ट में होता है। वैसे तो सुन के पता चल रहा होगा कि ये जो प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर है ये किसी अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंस से डील करने के लिए दी गई है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस पर खूब आरोप लगता रहा है मिसयूज़ का। सरकार आई है और सरकारों ने प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर को खूब मिसयूज़ किया है, इस पर अपन बात भी करेंगे। अच्छा, ये कौन डिसाइड करेगा कि अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंस क्रिएट हो गया है? तो ये बड़ा सिंपल है, प्रेसिडेंट को जब लगे, प्रेसिडेंट अगर सेटिस्फाइड है कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि ऑर्डिनेंस इशू की जा सकती है तो ऑर्डिनेंस इशू की जा सकती है। हालांकि कोर्ट में केस आया, कूपर केस 1970, और इस कूपर केस में कहा गया कि प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फेक्शन है ऑर्डिनेंस इशू करने के टाइम पे उसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में। बेसिकली अगर प्रेसिडेंट ने कोई ऑर्डिनेंस इशू की है तो उसको जुडिशियली रिव्यू किया जा सकता है, उसको जुडिशियली चेक किया जा सकता है, देखा जा सकता है ना भाई कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रेसिडेंट ने जानबूझ के अपनी पावर को मिसयूज करते हुए ऑर्डिनेंस को इशू कर दिया है, तो उसको चेक किया जा सकता है। हालांकि 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 के थ्रू ये कहा गया कि प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फेक्शन है ऑर्डिनेंस इशू करने के टाइम पे उसको जुडिशियली रिव्यू नहीं किया जा सकता, चेक नहीं किया जा सकता, लेकिन इस प्रोविजन को डिलीट कर दिया गया था बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू। और ये बेसिक बातचीत हुई आर्टिकल 123 जिसमें प्रेसिडेंट को पावर दी गई है ऑर्डिनेंस इशू करने की, लेकिन ऑर्डिनेंस सिर्फ तब इशू की जा सकती है जब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस सेशन में नहीं है या कोई एक हाउस सेशन में नहीं है। अगर दोनों हाउसेस सेशन में हैं और प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस इशू कर दिया तो उसको ऑटोमेटिकली वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, बहुत सिंपल है। अच्छा, ऑर्डिनेंस से रिलेटेड दो और चीज़ें दिमाग में रखनी है। एक तो ये कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस सिर्फ उन सब्जेक्ट्स पर इशू कर सकते हैं जिन पर पार्लियामेंट को लॉ बनाने की पावर है। पार्लियामेंट जिन सब्जेक्ट्स पर लॉ बना सकता है सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स पर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। और दूसरा, वो सारी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस जो कि किसी पार्लियामेंट के एक्ट पर लागू होती हैं वो ऑर्डिनेंस पर भी लागू होती हैं। फॉर एग्जांपल, पार्लियामेंट कानून बना के किसी भी फंडामेंटल राइट को नहीं छीन सकता है, वैसे ही कोई भी ऑर्डिनेंस किसी भी फंडामेंटल राइट को नहीं छीन सकती है। तो दो चीज़ें क्या ध्यान रखनी है, एक तो ये कि सिर्फ उन सब्जेक्ट्स पर ऑर्डिनेंस इशू किया जा सकता है जिन सब्जेक्ट्स पर पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, और दूसरा, वो सारी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस जो किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पर लागू होती हैं वो ऑर्डिनेंस पर भी लागू होती हैं। अच्छा, ऑर्डिनेंस इशू कर दिया गया है, कुछ तो चेक्स एंड बैलेंसेज होंगे। एक चेक तो ये है कि ऑर्डिनेंस इशू कर दिया गया है उसके बाद जब भी पार्लियामेंट रीअसेंबल करेगा, जब भी लोकसभा और राज्यसभा बैठेंगे, उसके विद इन 6 वीक्स में उस ऑर्डिनेंस को अप्रूव करवाना पड़ेगा लोकसभा से और राज्यसभा से। एक तो ये हो सकता है कि लोकसभा और राज्यसभा बैठी और ऑर्डिनेंस को लोकसभा और राज्यसभा के सामने रखा ही नहीं गया, तो 6 हफ्ते खत्म हुए और वो ऑर्डिनेंस ऑटोमेटिक अपने आप लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक ये हो सकता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने अपना अप्रूवल दे दिया तो वो ऑर्डिनेंस एक्ट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक तीसरा ये हो सकता है कि मान लेते हैं कोई एक लोकसभा या राज्यसभा आज बैठ गई और लोकसभा ने उसको अपना अप्रूवल दे दिया, राज्यसभा अभी बैठी नहीं है, राज्यसभा मान लो 3 महीने बाद 4 महीने बाद बैठेगी, तो ये जो 3-4 महीने का टाइम पीरियड है तब तक ये ऑर्डिनेंस सर्वाइव करता रहेगा और जब दूसरा हाउस बैठेगा तो उसके विद इन 6 वीक्स में इसको अप्रूवल लेना पड़ेगा दूसरे हाउस का। अप्रूवल मिला तो एक्ट बन जाएगा, नहीं मिला तो खत्म हो जाएगा।
और ये अपने को पता है कि लोकसभा और राज्यसभा के एक सेशन के बीच में मैक्सिमम 6 महीने का गैप हो सकता है। तो एक ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम लाइफ कितनी हो सकती है? 6 months + 6 weeks। 6 महीने मान लेते हैं लोकसभा से अप्रूव करवा लिया गया, फिर 6 महीने बाद राज्यसभा बैठी और राज्यसभा से अप्रूवल करवाने के लिए मैक्सिमम कितना टाइम पीरियड है? 6 वीक का। तो एक ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम लाइफ कितनी हो गई? 6 महीने + 6 weeks। अच्छा, ऑर्डिनेंस अगर इशू की जा रही है तो रेट्रोस्पेक्टिवली की जा सकती है, बैक डेट से इशू की जा सकती है, टैक्स रिलेटेड मैटर्स पे इशू की जा सकती है। कोई टैक्स रिलेटेड मैटर उसको अमेंड करना है, चेंज करना है, उसके लिए ऑर्डिनेंस इशू की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, एक जगह पर ऑर्डिनेंस इशू नहीं की जा सकती और ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ऑर्डिनेंस कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए ऑर्डिनेंस इशू नहीं की जा सकती। और दूसरा, ये प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से ऑर्डिनेंस इशू नहीं करते हैं। प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर की एड और एडवाइस पे। प्रेसिडेंट जो भी ऑर्डिनेंस इशू कर रहे हैं वो किसके एडवाइस पे इशू कर रहे हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे इशू कर रहे हैं। फटाफट से देखें, आर्टिकल 123 में बात की गई है प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर के बारे में। अच्छा, दोनों हाउसेज अगर सेशन में तो ऑर्डिनेंस इशू नहीं किया जा सकता। ऑर्डिनेंस इशू कब किया जा सकता है? जब दोनों हाउसेज सेशन में ना हो या दोनों में से कोई एक सेशन में ना हो। ऑर्डिनेंस जो भी इशू की जाएगी उसमें सेम फोर्स, सेम पावर, सेम इफेक्ट होगा जैसे किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में होता है। इसके बाद अपन देख रहे हैं कि ऑर्डिनेंस सिर्फ उन सब्जेक्ट्स पर इशू की जा सकती है जिन पर पार्लियामेंट को कानून बनाने की पावर है। और दूसरा, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पे जो सारी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस लगती हैं वो ऑर्डिनेंस पे भी लगती हैं। तीसरा, अप्रूवल विद इन 6 वीक्स लोकसभा और राज्यसभा का चाहिए जिस दिन वो रीअसेंबल होंगे। मैक्सिमम लाइफ एक ऑर्डिनेंस की हो सकती है 6 months + 6 weeks। सबसे इंपॉर्टेंट, ऑर्डिनेंस कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और जितनी भी ऑर्डिनेंस इशू की जा रही हैं ये इशू की जाती हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे। कुछ और भी प्रोटेक्शंस प्रोवाइडेड हैं, जैसे कि लोकसभा के रूल्स में ये लिखा हुआ है कि जब भी कोई ऑर्डिनेंस लोकसभा के सामने रखा जाएगा तो उसके साथ साथ एक स्टेटमेंट भी दिया जाएगा जो कि बताएगा कि भाई ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस आ गए जिसमें ज़रूरत पड़ गई ऑर्डिनेंस को इश्यू करने की, ये बताया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, कोई भी ऑर्डिनेंस अगर लाया गया और वो विड्रॉ कर लिया या वो लैप्स हो गया या वो वॉइड हो गया, मतलब अगर ऑर्डिनेंस कानून नहीं बना और ख़त्म हो गया, तो ऐसे में ऑर्डिनेंस के तहत जो भी डिसीजंस लिए गए हैं वो डिसीजंस वैलिड रहते हैं, वो ख़त्म नहीं होते हैं। और अजीब बात यह है कि दुनिया भर के किसी भी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में ऑर्डिनेंस जैसी सुविधा नहीं दी गई है, इंडिया के में दी गई है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको एक्सप्लेन करते हुए कहा था, द मैकेनिज्म ऑफ इश्यूइंग एंड ऑर्डिनेंस हैज़ बीन डिवाइज्ड इन ऑर्डर टू इनेबल द एग्जीक्यूटिव टू डील विद अ सिचुएशन दैट मे सडनली और इमीडिएटली अराइज व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। अंबेडकर साहब ही कह रहे हैं कि अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिससे डील करने के लिए कानून बनाने की ज़रूरत है और पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन से डील करने के लिए हमने दिए प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर। और अपन ने ये देखा है कि ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर को खूब मिसयूज़ किया जाता है। इस पर कोर्ट्स के कई बार ओपिनियंस आए, जजमेंट्स में बातें कही हैं। जैसे एक बड़ा फेमस केस है DC वाधवा केस 1986, अपन पढ़ेंगे। गवर्नर के पास में भी ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर होती है आर्टिकल 213 में। DC वाधवा केस में क्या कहा गया? हुआ ये कि 1967 से लेकर 1981 के बीच में बिहार के गवर्नर ने लगभग 256 ऑर्डिनेंसेस इशू की, और कुछ इस तरीके से इशू की गई कि एक ही मैटर पे ऑर्डिनेंस इशू कर दी गई। जब बिहार की लेजिस्लेटिव असेंबली बैठी तो अप्रूवल के लिए भेजा नहीं गया, ऑर्डिनेंस ऑटोमेटिक लैप्स हो गई, फिर दोबारा से सेम ऑर्डिनेंस इशू कर दी गई। और इस तरीके से कई सालों तक ऑर्डिनेंस को बार बार इशू करते रहे बिहार के गवर्नर, और बिहार के गवर्नर खुद कौन सा अपनी इच्छा से कर रहे होंगे, जो भी बिहार के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे उस टाइम पे उनके एडवाइस पे हो रहा था ये। तो एक तरीके से मिसयूज हो रहा था ऑर्डिनेंस इशू करने वाली पावर का। तो कोर्ट ने ये कहा, सक्सेसिव रीप्रोमलगेशन ऑफ सेम ऑर्डिनेंस विदाउट अटेम्प्ट टू टेक लेजिस्लेटिव अप्रूवल इज द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कि अगर आप बार बार ऑर्डिनेंस इशू कर रहे हो सेम मैटर पे और लेजिस्लेटिव अप्रूवल ले नहीं रहे हो, तो ये एक तरीके से क्या है? मिसयूज ऑफ पावर है। ऑर्डिनेंस की जो इशू करने की पावर दी गई है आपको, आप उसको मिसयूज कर रहे हो। और ये बात हुई आर्टिकल 123 के बारे में। यहाँ तक कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।